आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी निकालो पेज नंबर 83। उसमें अभ्यास में हम देखेंगे क्वेश्चन 3 का ब। दिए गए इन वर्णों को योग्य स्थान पर रखिए और सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ का उसमें दिया है न सा प रो छ पा मी, तो उसको हमें यह शब्द बनाना है। तो फर्स्ट है छ दिया है तो छपा छप, चलो बुक में लिख लो छपा छप। फिर लास्ट प है तो देखो परेशान। फिर यहाँ पे रोज, और जैसे स्टार्ट करो जमीन, और यहाँ पे मीन शब्द बनता है। ठीक है, लिखा, चलो फिर सेकंड 4 क्वेश्चन है। दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखे, तो यहाँ देख लो पिक्चर, फिर 5 सेंटेंस लिखना है। तो फर्स्ट सेंटेंस होगा कि यह गांव का दृश्य है। ठीक है, फिर यह सुबह का समय है, सूरज निकल रहा है, देखो। फिर आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, दूर कुछ पेड़ और घर दिखाई दे रहे हैं, देखो। एक मंदिर भी दिख रहा है, 5 सेंटेंस हो गए, मैंने 6 लिखे। फिर देखो पीछे 2 बच्चे खेल रहे हैं। फिर यह तालाब के किनारे कुछ स्त्रियां कपड़े धो रही है, खेलू धौल चला रहा है, दिखाई दे रहा है ना। चलो मैंने 5 सेंटेंस लिखे, आप लोग लिख लो। चलो लिखा, फिर 5 क्वेश्चन है। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी कथन कीजिए। तो फर्स्ट पिक्चर आप ध्यान से देखिए कि यह तालाब है, तालाब के किनारे बहुत सारे मेढक दिखाई दे रहे हैं, और वहाँ एक बगदाद का पेड़ है, देखो। उसकी जड़ में एक बिल था, देखो उसकी जड़ में एक बिल है, दिखाई दे रहा है ना। उसमें सांप रहता था, उसमें यह बिल है, वह सांप रहता था। सांप किसी न किसी को मेढक को खा जाता था, देखो सेकंड पिक्चर में वो किसी न किसी मेढक को हर रोज खा जाता था। तो मेढक सभी परेशान हो गए, देखिए ध्यान से, सभी मेढक परेशान हो गए हैं। एक दिन उन सभी ने मिलकर उपाय सोचा कि एक मेढक बिल के सामने खड़ा रहा। फिर देखिए उपाय सोचा, फिर क्या किया, एक मेढक है वो बिल के सामने खड़ा रहा, और बाकी सारे जो मेढक थे वो पेड़ के पीछे और कहीं वहाँ पे आजू बाजू छिप गए। ठीक है, आसपास छिप गए। फिर क्या किया, जैसे ही सांप उस बिल में से बाहर निकला तो उस मेढक को पकड़ा, तो सारे छुपे हुए मेढक बाहर आ गए और सांप को पकड़ लिया, देखो दिखाई दे रहा है ना। और सभी सांप को खींचने लगे, 4 पिक्चर में देखो सभी सांप को खींचने लगे। तो जैसे ही सांप ने उसे पकड़ा तो सभी सांप मेढक
छुपे हुए बाहर निकल आए और सांप को खींचने लगे और सांप घबरा गया। सांप को खींचा तो सांप घबरा गया देखिए, और सांप पकड़े हुए मेंढक को छोड़ दिया। सांप ने क्या किया और फिर वो उसे छोड़कर भागने लगा और बिल के अंदर चला गया। देखिए यह भागने की कोशिश कर रहा है मेंढक को छोड़ के, और फाइव पिक्चर में रिटर्न जा रहा है। फिर सिक्स पिक्चर में देखिए वो बिल में चला गया और मेंढक की खुशी का पार न रहा। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? संगठन में ही शक्ति है, सचमुच संगठन में ही शक्ति है। तो आज का आपका होमवर्क क्या है? एक थर्ड क्वेश्चन का ब और फोर्थ क्वेश्चन का पिक्चर ड्रॉ करना है और उसका फाइव सेंटेंस नोटबुक में लिखना है, और ये थर्ड क्वेश्चन का ब लिखना है, और ये फाइव क्वेश्चन है उसकी कहानी कथन करके मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके भेजना है। वो आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।